ये कहा कि हमारे बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है और मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। मैं भणवा से पूछता हूँ कि तू बिहार का हो तो बिहार के सीएम यहाँ पे बैठा है, उप मुख्यमंत्री बैठे हो, कौन सी ताकत तुम्हारे पास है तुम बचाने जाओ तमिलनाडु में? कश्यप जी, ये अफवाह छोड़ दो, तुम इतनी बड़ी ताकत और नहीं हो। अगर जिस दिन मिल जाओगे ना भैया, उस दिन बढ़िया से समझ लोगे कि जिस तरह तुम कर रहे हो कौन सा तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हारे घर में लाइसेंस हथियार कितनी औकात है? तो आरा में मर्डर हुआ उसको रोक देते, पटना में हो रहा है, यहाँ जहानाबाद में हुआ, अभी हाल ही में पुड़िया में घटना हुआ। अरे तुम इसको रोको ना भाई, उतना दूर कहाँ जा, तुम्हारे औकात ही नहीं है। बिहार के चड्डी छाप के गैंगों पर बिहार पुलिस ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। चड्डी छाप के पत्रकार गैंगों के सबसे मशहूर नेता जो है स्वयं घोषित जो है स्वघोषित सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पर जो है बिहार पुलिस जो है FIR दर्ज की है और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। और उनके साथ जितने सारे चड्डी गैंग में शामिल लोग थे वो सारे के सारे लोग जेल में जाएंगे, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो तमिलनाडु में एक वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है, और ये वीडियो जो है अपने ID से डाला जाता है और सोशल मीडिया पर ये देखते देखते वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद जो है जितने भी सारे बिहारी मजदूर हैं जो तमिलनाडु में रहकर काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी दहशत का माहौल है और कितने लोग तो अपने जान भी गंवा चुके हैं डर के मारे और लगातार जो है अपने पलायन कर रहे हैं। कोई कंपनी में काम कर रहा है तो अपने पैसा को छोड़कर जो है लगातार बिहार पलायन कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद है सुभाष अम्बेडकर जी। सर क्या कहिएगा, ये प्रोपेगंडा फैला दिया चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप की, मतलब कि मारा जा रहा है बिहारियों को, जबकि वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार गए हैं बहुजन पत्रकार, वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं वहाँ पर देख पा रहा है, या लोगों से बात करने पर लोग बता रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है मैटर, क्या कहिएगा ऐसे पत्रकारों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं और जो भी जहां तक भी आपका चैनल से जुड़े हुए हैं मैं सभी को दिल से हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। आप संघर्ष के साय में रहे हैं और संघर्ष के लिए रात दिन एक रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप की आप बात आप हमसे ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि अच्छे इंसान की बात करें तो तुलनात्मक चीज़ है वो, फालतू आदमी बकवास करने वाला आदमी को बकवास ही है, फोफो है, फोफो फोफो हाँ, जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं ना और वही उसी तरह वो फोफो है, वो फुलौना है और ये तमाशा दिखाने वाला है। इसको बिहार लोग कहते हैं सन ऑफ बिहार नहीं, सन खुद लिखा है बिहार ऑफ कलंक उनका नाम है, ऐसे मेरे को बिहार ऑफ कलंक है वो, क्योंकि वो चड्डी छाप वो RSS वाले हैं, BJP वाले के दलाल दलवा है, क्योंकि बिहार अभी भी अमन चैन से है और अमन चैन से ही रहेगा। इस तरह कितना भी पैदे हो जाए चड्डी छाप वाले, उसका ताकत नहीं है कि बिहारियों पर, बिहार पूरी भारत में ही नहीं पूरी विश्व में हमारे लोग पाए जाते हैं और अमर और शासक बनकर काम करते हैं। जो भी वर्क किया है लोग पूरी देश में पूरी विश्व में वो अमर के तहत काम किए हैं। ये भणवा कहाँ जाने, ये बिहारियों की ताकत क्या होता है, ये अफवाह फैलाता है। ये कहा कि हमारे बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है और मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। मैं भणवा से पूछता हूँ कि तू बिहार का हो तो बिहार के CM यहाँ पे बैठा है, तुम SDM बैठे हो, तुम क्या कहते हो उप मुख्यमंत्री बैठे हो, कौन सी ताकत तुम्हारे पास है तुम बचाने जाओ तमिलनाडु में? बिहार में तुम्हारे गाँव के बगल में रेप होता है, मर्डर होता है, बलात्कार होता है, उसमें तू सांस नहीं लेता है, चुतिया कहीं का तू जा रहा है तमिलनाडु में बचाने के लिए, कौन सी ताकत है? आतंकवादी तो हो, इसका मतलब ट्रस्ट हो, तुम उससे मिले जुले हो या तुम करवा रहे हो साजिश का तो हजारों बंद कराने के लिए, या तो तुम अफवाह फैलाने के लिए अपने मीडिया के माध्यम से फैलाए हो और उसको जाकर वहाँ दिखाओगे बंद करा दिए 4 लफुआ खड़ा करा के कि देखो यहीं तो हमने बंद करा दिया। मोदी क्या लग रहा है कि मोदी का चाचा है कि मोदी इनकी चाचा है हमारे प्रधानमंत्री जी का है? इस तरह की बात करते वो भी इस तरह हंकते, ये भी हंकने लगा। हमको तो इनकी आवाज़ से मौका लग रहा है कि भैया यहाँ बिहार में रह रहे हो, जिस गृह जिला में रह रहे हो वहाँ इतने अत्याचार जुल्म और क्या कहते हैं समंतियों का अड्डा बना हुआ है और तुम अपने छोड़कर राज्य को तुम तमिलनाडु में जा रहे हो बचाने के लिए बिहारियों का? अरे यहाँ बिहारी कितने मर रहे हैं भूखे, किसी को पूछने गया तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? आज नीतीश सरकार ने जो जल जंगल हरियाली जमीन के तहत
जो लेकर आए थे उसमें कितने लोग घर से बिघर हमारे भाई हो रहे हैं, चाहे किसी जाति मजहब को। हम समतामूलक समाज वाले हैं बाबा साहब के अनुयायी, हम जाति प्रथा की बात को लेकर नहीं चलते, लेकिन ये तो मजबूर कर देते हैं हम लोग को बोलने का। जो नीतीश सरकार ने जल जंगल हरेल जमीन को लेकर आए उसमें कितने लोग घर से भी घर हो रहे हैं, कभी घर की बात किया उन्होंने? उनकी बेटी के विषय में बात किया कि नौजवान नौनिहाल बच्ची और उस घर में नौजवान बेटियां जिसके घर तोड़कर रोड पर लाने के बल बैठने के मजबूर हो रहे हैं, कभी पूछने गया कभी मीडिया से, कभी मुख्यमंत्री से बात करने गया, या कभी प्रधानमंत्री से बात करने गया, गृह मंत्री से बात करने गया कि जो जंगल हरियाली जमीन जो बिहार में चल रहा है ये छलावा है और धोखा है? अगर मान लेते हैं ठीक है सरकार की चीज़ है, सरकार हम भी सरकार में हम भी सरकार से विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो योजना के तहत लो लाकर हम गरीबों को जिस तरह रोड पर फेसबुक पर लाने की योजना जो बनाए ये नीति से हमको गलत है। मनोज कश्यप जी ये अफवाह छोड़ दो, तुम इतनी बड़ी ताकतवर नहीं हो, अगर जिस दिन मिल जाओगे ना भैया उस दिन बढ़िया से समझ लोगे कि जिस तरह तुम कह रहे हो कौन सा तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे घर में लाइसेंस हथियार कितनी होगी, तुम्हारे पास कितने लोग हैं कि तुम जाओगे तमिलनाडु रोकने के लिए, तेरा औकात है तो आरा में मर्डर हुआ उसको रोक देते, पटना में हो रहा है, यहाँ जहानाबाद में हुआ, अभी हाल ही में पुड़िया में घटना हुआ, अरे तुम इसको रोको ना भाई, उतना दूर कहाँ जा, तुम्हारे औकात ही नहीं है, तुम सो सपना में सोच के हमको लग रहा है कि तुम सोए और सुबह उठकर चल दिए। ऐसे लोग एजेंडा फैलाते हैं और लोग कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, फॉलोवर भी मिलियन में है इनके, तो जिस तरह कहोगे उनके फॉलोवर होंगे, जिस तरह झूठा है उस तरह झूठा होंगे, झूठा फॉलोवर फॉलोवर है और झूठा, इसलिए कि कोई क्या जानेगा, हम बोल रहे हैं इस बात को तह तक नहीं जाएगा तो यही जानेंगे कि नहीं, अरे हम तो पूरी बढ़िया से वहाँ पर जाँच कराए हैं और हम भी बिहार के हैं, हमारे बिहारी भाइयों को कष्ट हो रहा तो हमको भी तकलीफ है, हमने ये भी जानने का प्रयास किया लेकिन इस तरह का कहीं से बात नहीं मिली। हम बक्सर जिले से कई लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, हमारे घर के बगल में रह रहे हैं, उन्होंने कहा किस तरह की बात नहीं, तब तक DGP का मैसेज भी आया, हमने वो भी देखा किस तरह का नहीं है। हुआ था पहले, हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, वो भी इस तरह का नहीं था, और पुराना वीडियो था और ये वीडियो बनी बनाई है, वो साबित नहीं हुआ कि वीडियो है कहाँ का, वो छत पर दिखा रहा है, कोई बिल्डर वर्क हो रहा है वो हल्का से दिखाया हुआ है, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ कि कहाँ उसका चेहरा भी बढ़िया सा नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको लग रहा है कि ये अपनी पॉलिटिकल चमकाने में लगे हैं, सोच रहे किस तरह हम चपलूसी करेंगे, BJP वाले हमको टिकट दे जाए, कहीं बिहार में हम बोलेंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा, फॉलोअर को दिखा रहे हैं तो अफवाह फैलाएंगे तो अफवाह ही ना होगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इनके साथ पहले तो इतने अफवाह फैलाते हैं, इनके साथ FIR हो, बिहार सरकार इनको केस के FIR दर्ज करे और ऐसे उसमें एक्ट लगाया जाए कि इस तरह नहीं, जितना भी जो अफवाह फैलाने वाले मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो चाहे हमारे जैसे लोग हों, उस सलाखों के अंदर हों कि इस तरह के अपनी बिहार की अपनी मिट्टी का अपनी ताकत का कहीं जाकर सुराग न दें, हमारी क्या कमजोरी है बाहर लोग फैलाने का काम करते हैं, और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और कार्रवाई क्या करने की बात कही, जो वर्तमान में सरकार गुंगी बहरी की सरकार बैठी है उनका क्या कहें, अभी प्रमोद प्रेमी वाला मामला अभी सुलझा नहीं है, अभी तक FIR नहीं हुआ है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक खुला घूम रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि जो गठबंधन की सरकार है और केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के चपलों से ही बैठे हुए हैं, तो हमको नहीं लग रहा है केंद्र सरकार इस बात लेंगे, मोदी जी नहीं ले पाएंगे ना BJP की कोई भी सरकार वाला नहीं करेगा कि तुम कहें अपने बिहार को तुम मट्टी को बाद बदनाम करने पर लगे हो। ये रोकना चाहेंगे सर? दोस्तों जिस तरह सिर्फ मनीष कश्यप पर ही FIR नहीं हुई और उसके साथ जितने भी चिलगोजर गैंग के जो पत्रकार हैं उन सारे पत्रकार पर जो है इस फर्जी और अफवाह खबर फैलाने के आरोप में सभी लोगों पर जो है FIR दर्ज किया गया और सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए हैं, और जिस तरीके से बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि असमय काल में ही लोग जो है अपने जो प्रवासी गए थे अपने घर पर आ रहे हैं इस डर और भय के कारण, कहीं ना कहीं ऐसे चिलगोजर और चड्डी छाप गैंग के जो पत्रकार हैं इनकी वजह से, उम्मीद है कि प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन और इनके सहित जितने भी इस अफवाह खबर को फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई